नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल करदम ऋषि की भूमि गांव कैलरम में मौजूद हूं और मतदान बेहद शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गांव कैलरम से ये यहां का सरकारी स्कूल है और मतदान बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चल रहा है। और देखना होगा कि 5900 वोटों वाली ये ग्राम पंचायत किसको अपना मुखिया बनाती है। फिलहाल मतदान शांतिपूर्वक है और अब तक लगभग 60% मतदान कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि गांव कैलरम में 1 बजे तक 60% मतदान पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दूसरे गांव गोहांड को भी कैलरम ये संदेश देता हुआ दिख रहा है कि ये आंकड़ा 100% या 90% को भी छू सकता है। तो ये बड़ी खबर है गाँव कैलरम से। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं मनदीप जी। फिलहाल लंबे समय से टीचिंग का यानी अध्यापन का कार्य करते रहे हैं गांव कैलरम में। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप जी आपका। धन्यवाद जी आपका, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी मनदीप जी, आप भी लगभग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जिस जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो जिसको भी फेवर करें, लेकिन फिलहाल मतदान किस तरीके का चल रहा है गाँव कैलरम में? देखिए, जैसे आपको पता ही है भाई, जो मतदान है लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस उत्सव में जिस तरीके से कैलरम का हर मतदाता अपना हवन में एक प्रकार से जैसे आहुति डालने का कार्य कर रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोकतंत्र का एक अच्छा संदेश भी सभी के बीच में जा रहा है। और लगभग गांव में अभी तक जैसा आपने बताया 60% मतदान हो चुका है और सभी बड़े भाईचारा के साथ बड़े शांतिप्रिय ढंग से मतदान में सहयोग कर रहे हैं। और जैसा कि हमें उम्मीद है कि लगभग आज 90% से भी ज़्यादा वोटिंग होने के आसार हैं। बिल्कुल, चाहे जो भी प्रत्याशी बने, जो भी उम्मीदवार बने, वो बने तो गांव के लिए ही, गांव की समस्याओं पर काम करेगा। क्या लगता है आपको, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए गाँव में? देखिए, मेरा तो अब मैं यहाँ खड़ा भी हूँ, तब से बातें भी कर रहा हूँ लोगों से, मेरा यही है कि जो सरपंच कोई भी बने भावी, देखिए उसमें कोई निजी काम तो होने वाला नहीं है। चाहे वो जैसे MLA MP में हम सोचते हैं कि नौकरी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, देखिए जो भी काम होगा गांव का सांझला कार्य होगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो कोई भी उम्मीदवार आए तो गांव के कुछ सांझले कार्य हैं, जैसे गांव में मेडिकल की फैसिलिटी, गांव में बच्चों के लिए बस की फैसिलिटी, गांव में लाइब्रेरी की फैसिलिटी। देखिए, चाहे वो कितने भी अपने जो क्रांतिकारी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, भगत सिंह हैं, उन्होंने एक ही बात कही है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जो आंखों पे अज्ञान रूपी पट्टी है जो बंधी हुई है वो दूर नहीं होगी। तो गांव में जो भी भावी सरपंच हो, मेरा उससे यही अनुरोध रहेगा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करें, क्योंकि जितना बड़ा हमारा गाँव है, लगभग 6000 मतदाता है, अभी तक वो कुछ खास ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो यही उम्मीद कर रहे हैं हम कि आने वाला जो भी हमारा भावी सरपंच होगा वो गांव में बढ़िया तरीके से काम करवाए। बिल्कुल, फिलहाल जो मतदाता घर बैठे हैं उनसे आप कोई अपील करना चाहते हो? हाँ जी, मेरा सभी से अनुरोध है, गांव के हर एक मतदाता से, कोई भी बुजुर्ग हो, माता हो, बहन हो, महिला कोई भी हो, भाई हो, सभी आए और इस पावन अवसर पर इस यज्ञ में आकर आहुति डालें, क्योंकि ये आपका एक बहुत बहुमूल्य जो है आपका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग आपको करना बनता है। और ये अधिकार का तब प्रयोग करोगे तभी आप एक संदेश दे पाओगे सभी को कि हाँ, हमने भी इस, क्योंकि देखो कल को कोई भी चुन के आए, हम उसके लिए अपने मन से कहने के लिए अंदर से तत्पर हैं कि हाँ, हमने भी इसमें सहयोग किया था। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ आने के बाद कम से कम आप कुछ तो कह पाएंगे कि हम भी गए थे और हमने भी उस लोकतंत्र के पावन उत्सव में हमने भी साझा जो भी था सहयोग हमने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मेरा देखो यही बार बार यही अनुरोध है गांव के सभी मतदाताओं से भी कि शांतिप्रिय ढंग से कार्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी का कोई निजी कार्य नहीं है, कोई निजी इलेक्शन नहीं है, कोई निजी काम होगा भी नहीं, गांव के सभी काम सांझले होंगे और सांझले काम कोई भी हो, कैंडिडेट वो आएगा और वो करवाएगा। और गांव में बहुत बड़ी पंचायत है, गांव के पास बहुत ज़्यादा जमीन भी है और बजट भी आते रहते हैं और गांव में बहुत सारी सुविधाओं का टोटा है। अभी उन सुविधाओं को हम, कोई भी कैंडिडेट आए, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कार्य होने। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका मनदीप। तो मनदीप ने बताया कि गांव में शिक्षा स्वास्थ्य रोज़गार सड़क पानी बिजली इन चीज़ों पर काम करने की बेहद ज़रूरत है और गांव का ये इलेक्शन शांति का है, भाईचारे का है और पूरा गांव इसमें अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन देखना होगा कि लगभग 6000 मतदाताओं वाली ये ग्राम पंचायत किसको अपना मुखिया बनाती है। फिलहाल शाम तक ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपसे भी हमारा निवेदन है, घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति ज़रूर डालिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।